हो गई। पांच मिनट का ले लो बट क्लास के बाहर नहीं जा सकते। नहीं 5 मिनट, 5 मिनट का ले लो लेकिन क्लास के बाहर नहीं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, तब तक मैं रिकॉर्डिंग वगैरह का कर देती हूँ काम। आप लोग ब्रेक का मतलब तो हेड डाउन करके बैठ जाओ, मोबाइल चला दो। चलो नहीं, कितनी नींद आती है बेटा। हाँ रात को व्हाट टाइम डू यू स्लीप द नाइट? कितनी रात पड़ती है? क्यों तुम कहाँ से बिलोंग करती हो? गुजरात से? हाँ साला सर गुजरात में लड़ी ले जान करने ही नहीं बेटा। साला सर तो यहाँ है। हाँ अच्छा वो गुजरात में आता है क्या?
भाई फेस ही पता होगा बेटा, नाम से तो नहीं पता। क्या करना, करना क्या उसका, उठवाना है बेटा। सब सब एक दूसरे के दोस्त हैं यहाँ पे, ऐसे तुम्हें ऐसे बता, ऐसे मतलब उठवाना हो उसको, पकड़वाना हो उसको। कंफ्यूज्ड है वो। चलिए सो यस, टाइम अप, स्टार्ट फोकसिंग, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब जो सेलर से सामान खरीदा है, खरीदने की बात करी है, तो अब वो जो सामान है वो ट्रांसफर भी होगा, पहुंचेगा भी, ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी और सामान भी ट्रांसफर होगा। सेलर से बायर को ओनरशिप जाएगी और सामान भी जाएगा। तो अब यूनिट नंबर 3 में यही पढ़ रहे हैं अपन, सेकेंड लास्ट यूनिट है, उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा, आप लोग फिर आज़ाद हो जाओगे। हाँ बेटा, ये यूनिट 3 से क्या लेना देना है इसका, ये बताओ मुझे तो। मतलब चैप्टर समझाने की कोशिश करते हुए ये इधर उधर की फालतू बातें सारी। हाँ मैंने तो यही बोला था कि ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, फिर आप फ्री हो के मतलब लगता है ऐसा। देखो बाकी आप लोगों के, वैसे तो 4 दिन का है ही पूरा सब मिला मिलू के, लेकिन मुझे आप लोगों पे भरोसा है। आज क्या थर्सडे है ना, नेक्स्ट सैटरडे तक कर देंगे आप। नेक्स्ट सैटरडे मतलब 6 एंड आज का दिन तो क्या 15 मिनट की क्लास बची है, तो 8 दिन ही तो बचे, 4 दिन मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से 8 दिन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं तो अभी कर देती हूँ, फ्री हो जाओ। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, यूनिट नंबर 3। आई वॉन्ट कंप्लीट अटेंशन नाउ, मैंने आपकी बात मान ली, अब आप मेरी मान। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के हिसाब से जो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है वो 3 तरीके से होती है। वो 3 तरीके क्या है, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करोगे, आवाज ही नहीं निकल रही है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के साथ साथ आप उस पर्टिकुलर चीज को क्या करोगे, डिलीवर करोगे। दूसरा ऑप्शन ये है, या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे अपन ने पढ़ा था वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बेटा जल्दी, हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो पाती। हाँ, तो ये इन्होंने 3 तरीके से ट्रांसफर बता रखा है। पहला बता रखा है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं कि सामान आप एक्चुअली ले जाकर दो किसी को। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पढ़ा था ना अपन ने स्टार्टिंग में, सिम्बॉलिक डिलीवरी पढ़ा था, तो वैसे भी ट्रांसफर हो सकती है, प्रॉपर्टी वहीं के वहीं है, सामान फिर भी ट्रांसफर हो गया, राइट। डिलीवरी ऑफ गुड्स, जिसमें अपन ने सामान ही दे दिया उनको। और तीसरा है पासिंग ऑफ रिस्क, रिस्क पास ऑन कर दी, जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में पड़ा था, राइट। फर्स्ट वाले को सिंबॉलिक मान सकते हो, बीच वाले को एक्चुअल मान सकते हो, थर्ड वाले को कंस्ट्रक्टिव मान सकते हो। बेसिकली सामान और रिस्क जो भी उससे जुड़ी हुई है वो सेलर से किसके पास जानी चाहिए, बायर के पास में, तभी क्या कहलाएगा, ट्रांसफर। फर्स्ट लाइन पे आइए आप लोग, इसके इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ ट्रांसफर पे सीधे। द जनरल रूल इज दैट रिस्क प्राइमा फेसी, इसमें आपकी फर्स्ट लाइन में वर्ड आ रहा है प्राइमा फेसी, पासिस विद द प्रॉपर्टी। प्राइमा फेसी का क्या मतलब होता है, लॉ का वर्ड है ये, लिख लीजिए आप लोग। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्राइमरली, मेनली,
मुख्यतः प्रमुखतः सबसे इम्पोर्टेंट मेनली जिसकी बात हो रही है प्राइमरली लिख लेना आप लोग। तो ये पॉइंट कह रहा है कि रिस्क प्राइमा फेसी पासेज विद द प्रॉपर्टी। तो जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, प्रॉपर्टी पास ऑन होती है, वैसे ही उसके साथ साथ क्या पास ऑन होती है, रिस्क भी पास ऑन होती है। तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट हेयर। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस पॉइंट? क्लियर है आप लोगों को सबको कि जैसे प्रॉपर्टी थी, जैसे ये पेन है, ये पेन की प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर करी, तो अब रिस्क भी आपकी है। अब आप इसको अच्छा संभाल के यूज करो चाहे तोड़ो, रिस्क कौन बेयर करेगा? बायर। इन केस वेयर गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज्ड, द बर्डन ऑफ लॉस विल बी बोर्न बाय द पर्सन हु इज ओनर एट द टाइम। बोर्न करना यानी बेयर करना। तो अगर जो सामान है वो डैमेज हुआ है या खो गया है तो उस जिम्मेदारी किसकी होगी उस सामान की? जो उस पर्टिकुलर टाइम पे उस सामान का क्या था? ओनर था। तो ये पॉइंट आ रहा है कि अगर गुड्स लॉस्ट होते हैं या डैमेज होते हैं तो रिस्क उसकी होगी जिसके पास उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उस सामान की ओनरशिप। वेदर गुड्स आर लॉस्ट, वेदर गुड्स आर डैमेज बाय द एक्ट ऑफ द थर्ड पार्टी, इट इज द ओनर हु कैन टेक द एक्शन। जब किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका सामान खराब हुआ है तो कौन जिम्मेदार, कौन एक्शन ले सकता है उस केस में? ओनर एक्शन ले सकता है। कि किसके अगेंस्ट में? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, क्योंकि ओनरशिप किसकी थी? उस पर्टिकुलर पर्सन की। तो जिम्मेदारी उसकी है, तो जिसकी जिम्मेदारी है वही एक्शन लेगा, और कोई एक्शन क्यों लेगा? Suit for price by the seller can be filed only when the property has passed to the buyer. तो सेलर सूट तभी फाइल कर सकता है जब वो प्रॉपर्टी किसको पास ऑन हो चुकी है? बायर को, right? तो सूट फॉर प्राइस, तो सेलर प्राइस के लिए तभी सूट फाइल करेगा जब वो प्रॉपर्टी आप किसको दे चुके हो? बायर को। अगर बायर को आपने प्रॉपर्टी दी ही नहीं है तो आप उससे पैसे कहाँ बात के लोगे? ठीक है, ये पॉइंट में कोई डाउट किसी को? अब सेक्शन 18-26 की अपन बात कर रहे हैं। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी सेकेंड लाइन पे आ जाइए आप लोग सीधे इसकी। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी पास ऑन करने का क्या मतलब है कि आप क्या पास ऑन कर रहे हो साथ के साथ में? ओनरशिप भी पास ऑन कर रहे हो। ऐसा ये सेल ऑफ गुड की बात कर रहे हैं, बेलमेंट और उन सब की गिरवी रखने की बात ही नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात हो रही है। ठीक, तो अगर सेल के तहत आपने प्रॉपर्टी पास ऑन कर दी तो इसका मतलब साथ ही साथ में आपने क्या भी पास ऑन कर दिया? क्या पास ऑन कर दी? ओनरशिप भी पास ऑन कर दी। तो प्रॉपर्टी देने का मतलब जिम्मेदारी दे देना, ओनरशिप भी दे देना। आगे देखिए, इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड टू द बायर द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ बायर। अगर प्रॉपर्टी बायर के पास चली गई तो रिस्क किसकी होगी? बायर की, सेलर की नहीं होगी। दो द गुड्स में स्टिल बी द सेलर्स पोजेशन, चाहे वो जो गुड्स हैं वो किसके पोजेशन में है? सेलर के पोजेशन में है। तो से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपने मेरे से ये पेन खरीद लिया और उसके बाद आपने मुझे पैसे भी दे दिए, सेल हो गई, फिर आप उसको रख कर चले गए। मैंने कहा रख के तो चले जाओ, बाकी आप आके ले लेना, आप देख लेना इसको। तो सामान तो पास ऑन हो चुका है, ओनरशिप पास ऑन हो चुकी है, लेकिन पोजेशन किसके हाथों में? अभी तक भी सेलर के हाथों में। जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बायर की। ओनर की ही जिम्मेदारी होगी, पोजेशन चाहे किसी के पास भी
अब इसमें अगर बाद में ये सब पता चलता है कि सेलर ने ही चोरी करवा दी, सेलर ने ही जानबूझ के खराब करवा दिया, तो फिर आप केस वगैरह कर लो, लेकिन जनरल केस में जिम्मेदारी किसकी होगी? जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सामान का ओनर होगा। पजेशन चाहे किसी के भी हाथों में हो, ओनरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, नहीं यूज नहीं किया, सिर्फ पोजेशन है, सिर्फ रखा हुआ है। पोजेशन का मतलब कि आपके कब्जे में सामान है, आपके पास सामान है, आपकी प्रॉपर्टी में सामान रखा हुआ है बस। और ओनरशिप का मतलब लीगली आप उसके राइटफुल ओनर के। हाँ तो तब तो मेरी होगी, पोजेशन दिया था, यूज करने का राइट थोड़ा ना दिया था। कैसे? बिल्कुल सही है, नहीं चाह रही थी कि कंस्ट्रक्टिव पता है क्या। ठीक है चलो। सो द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू बायर डिपेंड्स ऑन टू बेसिक फैक्टर्स। तो सेलर से बायर को जो ट्रांसफर होगा उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर खुद से पढ़ो एक बार योरसेल्फ। आया क्या कुछ चैप्टर वन से रिलेटेड सा लगा गया? तो पहली चीज क्या हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अगर किस तरीके के गुड्स का है, अनअसर्टेन गुड्स का, तो प्रॉपर्टी कब तक ट्रांसफर नहीं हो सकती? जब तक वो गुड्स क्या नहीं बन जाए, असर्टेन। पहली लाइन, द बायर कैन गेट द ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन। तो बायर को राइट कब मिलेगा सामान का? या तो गुड क्या हो, स्पेसिफिक, या फिर क्या हो, असर्टेन। अगर अनअसर्टेन है तो क्या करना पड़ेगा? असर्टेन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। सो द प्रॉपर्टी इन गुड इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। अंडरलाइन करो, सच टाइम, such time as the parties to the contract intend it to be transferred. So, जो goods में property है वो कब transfer हो सकती है? जब आपके contract में वो बात लिखी गई हो। So, section 19 sub section 2 further provides that the purpose of ascertaining the intention of parties regarding shall be, purpose क्या है? जो पार्टीज है उनका इंटेंशन कैसे डिसाइड होगा, सामान कब पहुंचाना चाहिए? तीन चीजों से डिसाइड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन करो। सेकंड अंडरलाइन करिए कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, और थर्ड अंडरलाइन करिए सर्कमस्टेंसेस। तो पहली चीज, तो आपके गुड्स ट्रांसफरेबल तब होंगे जब या तो वो क्या हो, स्पेसिफिक हो, या फिर क्या हो, असर्टेन्ड हो। अगर अनअसर्टेन्ड गुड्स हैं तो आपको उनको पहले क्या बनाना पड़ेगा? असर्टेन्ड बनाना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कि आप वो सामान डिलीवर कब करोगे। तो कब करोगे तीन चीजों पे डिपेंड करता है, या तो आपने कहाँ लिख रखा हो, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ऑफ कंडीशन, या आपने कोई कंडक्ट डिसाइड कर रखा हो कि जब मेरे पास आ जाएगा तब आपको दे देंगे, तो ये कंडक्ट से डिपेंड करता हो। और तीसरा, कोई और सरकमस्टेंस जो आपने आपस में डिसाइड किया हो, राइट? तो इससे क्या डिसाइड होगी? इंटेंशन ऑफ दी पार्टी। एनी डाउट? क्लियर है यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप लोगों को? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, द प्राइमरी रूल्स, प्राइमरी रूल्स डिटरमाइनिंग द पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू बायर।
फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स होने चाहिए. सेकंड, पासिंग ऑफ अनअसर्टेन गुड्स कैसे होंगे. थर्ड, इसमें पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी बात हो रही है, सेल और रिटर्न बेसिस पर. और थर्ड बात हो रही है रिजर्वेशन और राइट टू डिस्पोजल. तो ये पॉइंट्स इंडिविजुअली क्या बात करते हैं ये अपन एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, आ जाएं फर्स्ट पॉइंट पे. यार 12:30 तक का टाइम है, 5 मिनट. हाँ तो 20 तक बोला था तो अभी तो 12:15 ही हो रही है. तो अभी तो जो मैंने बोला था वो भी नहीं हुआ, जो अलॉटेड था वो भी नहीं हुआ. पॉइंट नंबर वन, सो जाओ. ऐसे भी सोए थे होगे, खुली आंखों से सो जाओ. प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक और असर्टेन्ड गुड्स पासेस व्हेन इंटेंडेड टू बी पास. तो पहले तो इन्होंने बता रखा है कि प्रॉपर्टी कैसी है, यहाँ पे स्पेसिफिक है या फिर क्या है, असर्टेन्ड है. तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. सबसे पहले इसके सब सेक्शन दे रखे हैं, 1, 2, 3 इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं इसमें, क्योंकि एनालिसिस तो नहीं है आपके. सो पॉइंट नंबर वन देखिए, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, द प्रॉपर्टी ऑन इन देम इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इन Intended to be transferred. तो पहली बात तो सिंपल सी है, कॉन्ट्रैक्ट को कर लो अंडरलाइन बस, कि जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक है या फिर असर्टेन्ड है, तो वो ट्रांसफर कब होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. पहली बात तो सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब सेक्शन वन यही कह रहे हैं. दूसरा पॉइंट, अभी अभी अपन ने जो पढ़ा वही रिपीट हो रहा है बेटा. दूसरा पॉइंट है कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, अंडरलाइन करो, कंडक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस. अभी पढ़े ना ऊपर के 3 पॉइंट्स, वही है ये. और तीसरा अंडरलाइन करो इसको, सेक्शन 20 to 24 याद कर लो मेरे साथ. पहली चीज, प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक और असर्टेन. उसका ट्रांसफर सब सेक्शन वन के हिसाब से कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे. सब सेक्शन टू में कंडक्ट या सर्कमस्टेंसेस के बेसिस, और सब सेक्शन थ्री में सेक्शन 20 to 24 के बेसिस. कोई डाउट इसमें, अब आओ नेक्स्ट पे, पेज नंबर 2.36. स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. सीधे तो बैठते हैं एकदम, ऐसे लग रहा है कि जाने वाली पोज में ही बैठे हो, यहाँ से मैंने फ्री किया और वहीं से वहीं भगे. सो स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. पहले तो जो गुड्स हैं आपके वो कैसी स्टेट में होने चाहिए, कैसी स्टेट में होने चाहिए, दो चार्ट पढ़ के बताओ. डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट. अगर डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो आप उस स्टेट में लेकर आओगे उनको, राइट. एंड थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू असर्टेन द प्राइस. और तीसरी सिचुएशन है जिसमें पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट. पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, मैं सेक्शन 20 पढ़ा के छोड़ देंगे फर्स्ट वाला. पहले एग्जाम्पल नंबर वन पढ़ लो इसका. एक्स गोज इन टू अ शॉप एंड बाइज अ टेलीविजन and ask the shopkeeper for its home delivery. X गया शॉप पे और उसने कहा मुझे ये टेलीविजन खरीदना है, आप होम डिलीवरी करवा दो. मतलब वो टेलीविजन तैयार ही है, होम डिलीवरी तो आप तभी लोगे. द शॉपकीपर अग्रीज टू इट. तो उसका अग्री होना इसका मतलब शॉप जो टेलीविजन है वो डिलीवरेबल स्टेट में ऑलरेडी है. द टेलीविजन इमीडिएटली बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ X. तो वो इमीडिएटली क्योंकि डिलीवरेबल स्टेट में है तो वो अब किसकी प्रॉपर्टी बन गया, एक्स की प्रॉपर्टी बन गया. सेक्शन देखो इसका, वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन अ गुड्स पासेस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज. तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ और सामान डिलीवरेबल स्टेट में था, वैसे ही वो किसको ट्रांसफर हो गया, सेलर से बायर को.
एंड इट इज इमटीरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट एंड प्राइस ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी और बोथ इज पोस्टपोन्ड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसका बचा हुआ पेमेंट कब कर रहे हो, आप उसको डिलीवर कब करवा रहे हो। वो प्रॉपर्टी जो है वो किसको पास ऑन हो चुकी है, अब यहाँ पे बायर को। डिलीवरेबल स्टेट में था, रेडी टू यूज था, बायर अग्री किया, सेलर अग्री किया, चाहे पैसे अब आप कभी भी दो, डिलीवरी कभी भी दो, वो सामान किसको पास ऑन हो चुका है, बायर। अभी इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स आएंगे इन सारे पॉइंट्स में, राइट। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स के लिए ये दो चैप्टर जो बचे हुए हैं ना, वो यही सारी चीज़ें समझाएं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। चलो बचा हुआ कल की क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर द काइंड पेशेंस, आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो। कोई डाउट है किसी को? होगा ही नहीं, बट मैंने बोला था लास्ट के 10 मिनट के डाउट अगली क्लास में नहीं होंगे, राइट। तो ये बहुत आसान है कि लास्ट के 10 मिनट में तो सो जाओ, अगले दिन पूछ लो। तो अगर डाउट है तो अभी इसी वक्त पूछ के जाओ। हाँ, ये इसीलिए मैंने कहा प्रोज एंड कॉन्स है इसके बहुत सारे। अभी एक बेसिक रूल पढ़ा है, प्रोज एंड कॉन्स आने दो अभी। टाइम लिमिट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। एनी अदर डाउट? I will not take the doubts of last 10 minutes in tomorrow's class. अगर हैं तो अभी पूछ लो, ठीक है। मैम एग्जाम्पल वन में डिलीवरी करते वक्त डिस्ट्रॉय हो गया तो कि हाँ यही हेमंग बेटा, ये सारे पॉइंट्स है ना आपके थर्ड चैप्टर यूनिट नंबर 4 में आ रहे हैं, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अपन ये सब कर लेंगे कवर। हाँ जी, अभी आ रहा है सेकंड पॉइंट, कल पढ़ेंगे। YouTube